हिमाचल में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और ये संक्रमण न केवल मनुष्यों के जीवन को बल्कि प्रदेश की आर्थिकी को भी दीपक की तरह चाट रहा है, जिसकी वजह से प्रदेशवासी बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। सोलन भी इससे अछूता नहीं रहा है। जहां एक और शहरवासी अपने को संक्रमण से बचाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर गिरती आय को लेकर भी चिंतित है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों से शहरवासियों ने घरों से निकलना बेहद कम कर दिया है। सभी नागरिक दहशत में देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि बाजारों से ग्राहकों की रौनक खत्म होती जा रही है, व्यवसाय ना के बराबर हो रहा है। शहरवासियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से शहरवासी बेहद डरे हुए हैं। वे खरीदारी करने भी घरों से बेहद कम निकल रहे हैं। आसपास लगते गांव में भी यही हाल देखा जा रहा है। सोलन का व्यवसाय सोलन से लगते गांव पर ज्यादा आधारित है, लेकिन गांववासी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ रहा है। साथ ही उनका कहना था कि पिछले वर्ष व्यवसाय बेहद कम रहा और घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। इस बार तो हालात पहले से भी बदतर हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए कारगर कदम उठाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।